सुबह का अभी लगभग टाइम हुआ है, देख सकते हैं 5:22 यानी सारी 5 होने वाला है। और आज सेकंड डे ऑफ द ड्यूटी होगा आफ्टर वेकेशन। और आपको एक बात शेयर करूंगा, सुबह सुबह सुंदर खा रहा हूँ। यदि आप अपना जॉब को गंवाना नहीं चाहता है तो क्या चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि यहाँ पे भी लोग सो रहा है, वहाँ पे भी लोग सो रहा है, हम जात की बात करते हैं बस में। सो फाइनली बस के अंदर आ गया हूँ मैं, और ये बस डायरेक्टली जाएगा आपका दुबई मॉल। और सुबह 5:30 है यानी 5:35, तो बस लगभग खाली ही है। और बस से जाने का रीज़न ये है कि आज संडे है, संडे आपका 8 बजे से पहले मेट्रो नहीं खुलने वाला है, देयरफॉर मैं बस लिया। हालांकि नॉट बैड, ज़्यादा वर्क करना नहीं पड़ता, अपना रेजिडेंस से लगभग हार्डली 2 मिनट्स। यदि मेट्रो में जाना होता तो 5-10 मिनट मुझे वर्क करना पड़ता। बाय बस इज़ द बेटर। तो आ गए हम अभी दुबई मॉल बस स्टॉप, और अभी टाइम क्या हुआ देखते हैं, क्योंकि अभी भी उजला ही नहीं हुआ यार। 6:01 बाकी है, तो हम चलते हैं मॉल के अंदर। मॉल के अंदर से होके चलते हैं, जब तक सर के रेजिडेंट पहुंच जाएंगे तब तक शायद लगभग 6:15 हो जाएगा, तो मैं निकल सकता हूं उसके बाद यहां से। ओके चलिए मिलते हैं दुबई मॉल के अंदर जाके। दुबई मॉल खुला है या नहीं खुला है देखते हैं जाके। चलिए, फाउंटेन व्यू बढ़िया है ना, ये बोथ साइड है दुबई मॉल। दुबई मॉल इतना बड़ा है क्या बोलेंगे। और मेरा डेस्टिनेशन जहाँ मैं काम करता हूँ, मेरा बॉस का रेसिडेंट, वहाँ जाने के लिए मुझे दुबई मॉल के अंदर से होके जाना होता है। आमतौर पे मैं वैसे आता हूँ, पर मुझे फ़िलहाल दुबई मॉल के अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि सुबह का 6 बज रहा है, तो वो बड़ा सुबह 6 बजे गेट नहीं खुलता है। बट नो इशू, वो भी बेचारा अपना ड्यूटी कर रहा है कि नहीं, तो वो चाहे गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, गेट 5 कहीं से जाने ना दे, बिना गेट में घुसा, आई मीन बिना दुबई मॉल के अंदर गया मैं अपना डेस्टिनेशन पहुंच सकता हूं। बिकॉज मैं पता है मुझे कहां जाना है, क्या करना है, राइट। सो मैं थोड़ा घूम के आया क्योंकि मेरे पास अभी भी प्लेंटी टाइम है, काफ़ी टाइम है। मुझे लगभग बॉस के पास 6:30-7 बजे तक भी पहुंचेगा चलेगा, लेकिन अभी 6:15 ही हुआ है, देन मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया फूल खिल रहा है, हाय। और ये नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। ये जो है दुबई मॉल का आपको बैक साइड बोल सकते हैं, ये पहले बन रहा था और अभी कंप्लीट हुआ है, लगता है चाइना टाउन जैसा ना। और यहाँ पे देखो सारा इमारत के बना हुआ बिल्डिंग्स है, और ये डायरेक्टली बुर्ज खलीफा का ऑपोजिट में है। और यहाँ से थोड़ा आगे जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा सुक अल बहार। सो दिस इज़ द एड्रेस डाउन टाउन, ये जो बिल्डिंग है एड्रेस डाउन टाउन है, और इसका बैक साइड में है सुक अल बहार। बैक साइड बोलो या फ्रंट साइड बोलो या बिसाइड बोलूँ, है ना। और यहाँ का लोकेशन ऐसा कुछ है, बढ़िया है ना। और मैं डेस्टिनेशन में आ गया हूँ और टाइमिंग हुआ है 6:30, तो मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, लगभग 7 बजे ही ऊपर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी ऊपर जाके बॉस को क्यों डिस्टर्ब करेंगे, राइट। सो तब तक के लिए मैं यहीं पर थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, हालांकि सुबह मैं एक्सरसाइज करके आया। फिट रहना है तो बस थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो लाजिम करना है, हमेशा नहीं कर सकने से कोई बात नहीं, एक्सरसाइज इट डजेंट मैटर कि आपको सुबह 5-4 बजे ही उठ के करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो दुबई में है या फिर कोई भी एब्रॉड में है, उनके लिए टाइमिंग, आई मीन वो क्या कहते हैं, मेंटेन करना आसान नहीं होता। किसी का नाइट शिफ्ट होता है, किसी का डे शिफ्ट होता है, कोई भी शिफ्ट हो, कभी कुछ भी कारण से डिले हो जाता है। सो प्रॉपर टाइम में एक्सरसाइज करना कभी भी हो ही नहीं सकता उनके लिए। सो जब भी आप उठते हो, उठने के बाद एक्सरसाइज करें, है कि नहीं, बट ज़्यादा ना सही, 5-10 मिनट, जस्ट ओनली टू बी फिट, है ना। हेल्थ कॉमन, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, ये कहते हैं ना, और ये सच भी है। जब बीमार हो तो आप चाहे आपको लाखों करोड़ों भी हो, वो काम का नहीं है, है कि नहीं। सो आवर प्रायोरिटी इज़ आवर हेल्थ, इसलिए हालांकि मैं सुबह सुबह थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ, सुबह बोले तो जब भी उठता हूँ, मेरा सुबह तो कभी कभार 2:00-3 बजे होता है, 2:00-4 बजे होता है, क्योंकि मैं दिन को सोता हूँ कभी कभार। सो इट्स लुक्स गॉर्जियस, दैट इज़ बुर्ज खलीफा, इट्स ब्यूटीफुल, राइट। एंड दिस इज़
एड्रेस डाउनटाउन होटल, इट्स ब्यूटिफुल राइट, एंड द स्ट्रीट्स लुक्स लाइक दिस। ओ माई गॉड, सुभान अल्लाह, क्या मस्त है यार, मौसम सुहाना है। और गजब की बात ये देखो, मैं एक टी शर्ट में हूँ और यह विंटर है, ठंड नहीं लग रहा, मस्त है, चील है। दुबई में घूमने के लिए दिस इज़ द राइट टाइम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक अच्छी है, मतलब ठंडी रहती है तो आप घूम सकते हो मस्त। वाओ क्या नज़ारा है राइट, इट्स लुक्स ब्यूटीफुल। 360 दिखा दिया जाए आपको, देन दिस इज़ द माई प्राइम डेस्टिनेशन, मुझे जाना है यहाँ। और इतना सुबह जाके क्या करेंगे राइट, तो मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं यहाँ और आपको कुछ दिखा दूँ। ये देखो, ये दुबई गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, क्या कहते हैं, स्कूटी बोलूँ, काइंड ऑफ स्कूटी राइट है। और यदि आप एक टूरिस्ट है, कहीं आपको जाना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, गाड़ी गाड़ी आवाज़ बहुत कर रहा है, जाने देखो। मान लो आप टूरिस्ट हैं और जैसे कि आप दुबई मॉल में रहते हो, सॉरी मान लो आप बुर्ज खलीफा रेजिडेंट में रह रहे हैं या फिर दुबई मॉल में या फिर डाउनटाउन एड्रेस में रह रहा है और आपको कहीं पे शॉपिंग के लिए जाना है 5-10 मिनट के लिए और टैक्सी नहीं मिल रहा, तो ये लेके जा सकता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, उसके बाद उसी ज़रिए आप पे करके, वेरी कन्वीनियंट। और मज़े की बात ये कि आप मस्त चील सब कुछ देख के जा सकते हैं, राइट लेफ्ट है ना, अप्स एंड डाउन सब देख के मस्त घूम के जा सकते हैं। टूरिस्ट के लिए उससे अच्छा बढ़ के क्या हो सकता है राइट। एंड चलो मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ। टाइम हुआ है अभी भी 6:30 और 6:30 हुआ है। वैसे कौन बेवकूफ़ एक्सरसाइज करते ना जींस पैंट पहन के चश्मा लेके, हालांकि चश्मा मैं यूज़ नहीं किया, लेकिन जींस पैंट टी शर्ट, लेकिन ये जींस पैंट जो है ना स्ट्रेचेबल है तो बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, बस शरीर को गर्म रखें, रखने के लिए और फिट रहने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, अंदर जाके काम नहीं है। तो अब एक्सरसाइज हो गया है, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं ठीक है। यदि आप सब जानना चाहते हो मेडिटेशन कैसे करते हैं तो आप सब कमेंट्स कर सकते हैं, यदि आपको सीखना है तो मैं सिखा दूंगा। मैं कोई हाई लेवल का नहीं, पर जितना करता हूँ उससे काम चल जाता है। जैसे कि आपने देखा मैंने मेडिटेशन किया लगभग 5-6 मिनट तक, मेडिटेशन किया 5 मिनट तक। और मेडिटेशन में जो हम लोग जिस तरह से रहते हो ना, वो फॉर्म अलग अलग तरीक़े से होता है, बहुत सारा फॉर्म होता है और वो इतना मैटर नहीं करता आप किस फॉर्म पे रहते हो, किस तरह से रहते हो है ना, मेडिटेशन करने में किस तरह से रहना चाहिए इतना मैटर नहीं करता, जितना मैटर करता आप किस तरह से मेडिटेशन कर रहे हो, कंसंट्रेशन किस तरह से कर रहे हो, किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो, ये मैटर करता है।
और ज़्यादा जानना है मेडिटेशन के बारे में तो मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। और मुझे लगता है अभी टाइम हो गया है, अभी 7 बजने हैं, आई मीन 7 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। फ़िलहाल हुआ 6:43, मतलब 6:45 होने वाला है। तो अभी मैं अंदर जा सकता हूँ और बहुत सारे चाबी लेके आता है क्योंकि 8 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है। तो लगभग वो भी यहाँ से 15 मिनट का दूरी में, तो इतना जल्दी जाने का मतलब नहीं है। खैर, कभी लेट हो जाता है तो कभी फर्स्ट हो जाता है, आगे आ जाता है, जल्दी आ जाता है ड्यूटी में। और ड्यूटी हो चाहे इंटरव्यू हो, हमेशा 5, 10, 15, 20 मिनट से आगे ही आता है तो ठीक है, 5, 10, 15 मिनट तो ठीक ही है, हो सके तो 30 मिनट भी आगे आता है तो सेल्फ अपना टाइम मिल जाता है, आप अच्छी तरह से रिलैक्स से जा सकते हो, है ना। यदि आप थोड़ा भी 5 मिनट भी लेट होगा ना, सर बॉस गाली करेगा या कुछ और हो जाएगा, ये हो जाएगा, सोच के आप रश में हो जाते हो और काम बिगड़ने लगता है। कोशिश करिएगा हमेशा आगे आने के लिए। मैं ऐसे भाषण दे रहा जैसे खुद हमेशा पंक्चुअलिटी रहता हूँ, ऐसा नहीं है, कभी कभार मैं भी 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं, और लेकिन आज थोड़ा जल्दी हो गया। जैसे कि मैंने बताया था आपको, यदि आप जॉब नहीं खोना चाहते हो तो एक चीज़ बिल्कुल मत करिए, मैं शुरुआत में बताया था मॉर्निंग में, वो क्या है, गाड़ी में जाके बैठ के बात करते हैं, ठीक है, क्या चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, आखिर वो करता है तो आपको जॉब जा सकते हैं। देखो मैं कोई उल्टा फुल्टा बकवास नहीं करता हूँ, जो भी बोलता हूँ वो अपना तजुर्बा अपना एक्सपीरियंस को लेके ही बोलता हूँ, ठीक है। मैं वो क्या कहता है, सुना सुनी बात होता ना, जो लोगों ने बोला बात वो नहीं बताता, ठीक है। अभी हम चलते हैं, ये सुख अलबहार ये इस जगह का नाम है, ये देख सकते हैं अभी कितना बज गया, 8:04, 8:04 हो गया। मैं सुबह ड्यूटी आया था घर से लगभग कितना बजे, प्रोबेबली 5:30 बजे, राइट, 5:35 में मैं निकला था और सुबह यहाँ 6 बजे पहुँच गया था, 6 बजने से लगभग 3-4 मिनट पहले पहुँच गया था। उसके बाद काफ़ी एक्सरसाइज किया, बहुत कुछ किया, आप सबको दिखाया, और मैं ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आया लेकिन ड्यूटी ज्वाइन नहीं हुआ। जो मैंने कहा था ना आपसे, यदि आप अपना जॉब को गंवाना नहीं चाहते हो तो एक चीज़ ना करें, वो क्या चीज़ है जानने के लिए बने रहो। हम घर जगह बात करते हैं क्योंकि मेरे पास बैटरी ज़्यादा नहीं है GoPro में, और मैंने चार्जिंग नहीं लाया है, ना ही मेरा वो क्या कहते हैं पावर बैंक लाया है, तो घर में जाके बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस घर में आ गया और GoPro चार्ज नहीं था, GoPro को भी चार्ज करा लिया। तो मैं सुबह से आपको बता रहा हूँ, यदि आप जॉब से हाथ धो नहीं बैठना चाहते हो, मतलब जॉब को गंवाना नहीं चाहते, जो जॉब आप कर रहे हो उसे आप कंटिन्यूस जारी रखना चाहते हो, ऑब्वियसली एब्रॉड में जॉब मिलना आसान नहीं है, राइट, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। जॉब का मतलब क्या होता है, कंस्टेंटली हर महीना आपको पगार मिल जाता है, चाहे वो 1,000 हो, चाहे 4,000 हो, चाहे 5,000 हो, है कि नहीं, चाहे आप जितना टैलेंटेड हो, आपको सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड मतलब साइड में जितना भी हो, लेकिन एक जॉब होने से वो सिक्योर रहता है। वो बात छोड़ दो, जो मैं सुबह से आपको बता रहे थे बार बार, यदि आप अपना जॉब को गंवाना नहीं चाहता है तो क्या चीज़ें आपको याद रखनी होगी, मैं अपना तजुर्बा से बताता हूँ। पहला चीज़, कभी भी अपना जॉब को ग्रांटेड मत लेना। अब तो मुझे जॉब मिल गया है, वीज़ा मिल गया है, मान लो सपोज आपका ड्यूटी शुरू होता है सुबह 9 बजे से और आप जाते हो 10 बजे, 9:30, 9:30, 9:25, 5-10 मिनट हमेशा लेट करते हो। हाँ, मान लो कभी आपका जो कंपनी होता है वो बड़ा कंपनी है तो देन डेफिनेटली वो लोग आपको क्या कहते हैं वार्निंग लेटर इशू करेगा, लेकिन कोई बड़ा कंपनी नहीं है, बस छोटा मोटा कंपनी है, या फिर मान लो कोई आप उसमें काम करते हो किसी का इंडिविजुअल, लाइक क्या कहते हैं आप पर्सनल ड्राइवर हो या पर्सनल असिस्टेंट हो, पर्सनल अकाउंटेंट, ऐसे होगा तो लोग ऑब्जर्व करेगा और तुरंत आपको निकाल देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स आपको क्या होना है, पंक्चुअलिटी होना है। आपका ड्यूटी 9 बजे चालू होता है तो आप 8:30 में नहीं आ सकते, एटलीस्ट 8:45, 8:50, 5 मिनट आपको आगे आना चाहिए। ये पहला चीज़ याद रखें, ये मैटर करता है एब्रॉड में, दुबई में मैटर करता है। दूसरा, मेरा केस में क्या था, आपको मैं हमेशा बताता हूँ, मैं अपना तजुर्बा सिर्फ बताता हूँ, लोगों का सुनी साना बात नहीं बताता हूँ, लोग बोला वाला जो सुन के नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ क्या दुर्घटना हुआ बोलने से, आप सबको पता है, वेकेशन से आने के बाद मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया मंडे को, और पहला ड्यूटी था मेरा डायरेक्टली अबू धाबी पहुँचा, और शाम को जब मैं लौटा तो अकेला लौटा क्योंकि बॉस का मीटिंग वहाँ था और बॉस बोल रहे थे कि 1-2 दिन वहाँ रहना है बॉस को, एंड बॉस ने बोला आपको नेक्स्ट दिन कब ज्वाइन करना मैं बताऊँगा, कॉल करूँगा या मैसेज करूँगा। तो मैं ये सुन के आ गया, आने के बाद लगभग मंडे को ज्वाइन किया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन बीत गया पर बॉस का कोई मैसेज नहीं आया। तो मैं सोच रहा था बॉस ऑलरेडी मीटिंग में होगा, शायद अबू धाबी में, इसलिए नहीं आया, मुझे मैसेज नहीं किया। तो मैं सोच रहा था सैटरडे को बॉस को मैं कॉल करते या मैसेज करके याद दिलाते हैं कि संडे का मैंने फिक्स किया है सर्विसिंग, कार सर्विस के लिए तो गाड़ी चाहिए, मैं ये याद दिलाने वाले थे। लेकिन उससे पहले बॉस का मैसेज आ गया मुझे, आई थिंक फ्राइडे नाइट को, बॉस बोल रहा क्या तुमने ड्यूटी छोड़ दिया।
मैंने बोला जी नहीं सर। फिर तू आना क्यों, आई मीन बंद कर दिया, क्यों नहीं आ रहा आजकल, मैं देख रहा तू आ नहीं रहा। मैंने बोला सर मैं तो आपको ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो सर बोला कोई मैं एडमिन है ऑफिस का, क्या मैनेजर वगैरह है क्या जो तुमको बार बार याद दिलाए। बट मैं सोच रहा था सर बिजी है। सो आपको समझ में आ रहा है क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। यदि आप एक पर्सनल असिस्टेंट हो या पर्सनल ड्राइवर हो, है कि नहीं, पर्सनल अकाउंटेंट है, कुछ भी है, तो इस केस में क्या होता है, आपको रिमाइंड कराना होता है बॉस को, ठीक है। हालांकि मैं तो सोच रहा था कि बॉस मुझे बताएगा, तो बात सही है, वी आर एम्प्लॉय नॉट एम्प्लॉयर, राइट। हम हैं कर्मचारी, बॉस नहीं है, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कि सर को याद दिलाएं, क्योंकि उन लोगों का काफ़ी सारा काम होता है, शेड्यूल टाइट तो शायद भूल जाता होगा, तो हमारा काम होता है यदि याद दिलाना उन, आई मीन हमारा काम होता है उनको याद दिलाना कि हमें आना चाहिए या नहीं, क्या मैं अभी आऊं या ना। यदि याद दिलाता है, और याद दिलाने में क्या होता है, यदि वो मान लो बिज़ी भी होता है तो शायद जल्द से क्या होगा, मैसेज नहीं दिखेगा, कॉल पिकअप नहीं करेगा, यदि बिज़ी है तो, नहीं है तो अपडेट कराएगा आना है नहीं आना है, राइट। सो यदि आप ये करते हो तो आपका जॉब सिक्योर रहेगा, वरना कट जाएगा रास्ता। तो ये होने वाला था मेरे साथ। सो इसी के बारे में मैं सुबह से आपको बात कर रहा था। हालांकि मैं सुबह गया था लगभग यहाँ से 5:35, देन मैं पहुँचा था 6:03, उसके बाद मैं 7 बजे एक घंटा थोड़ा ज़्यादा मैं बाहर में एक्सरसाइज वगैरह किया, और उसके बाद मैं जब गया सर के पास 7:30 में गया था, सर को नॉक किया, सर ने खुला नहीं, मैंने सर को रिंग किया, सर ने उठाया नहीं, फिर मैं छोड़ के आ गया। सोचा सर मेरे को नाराज़ हो गया, अभी सर आज मेरे को क्या कहता है, फायर कर लेगा जॉब से। बट लकीली सर ने फायर नहीं किया, सर ने फिर बोला है कि आ जाओ मंडे से, एंड जो कार सर्विसिंग का था वो रिशेड्यूल करके ट्यूसडे में कर दो बोला। सो हमारा बॉस जो है वो अच्छा है, लेकिन हर किसी का इतना खुश नसीब नहीं होता है ऐसा बॉस मिलने के लिए, तो आप सब ये गलती ना करें, क्योंकि दोबारा मौका हर किसी को नहीं मिलता। मैं फॉर्चुनेट हूँ इसका मतलब हर कोई फॉर्चुनेट है, हो सके ये ज़रूरी नहीं है, राइट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बस ये बात याद रखिएगा। बाय बाय।